हेलो स्टूडेंट, आई एम सीमा। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। सो इस क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट सीएसआईआर नेट केमिस्ट्री रेफरेंस बुक फॉर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बताऊंगी। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की कुछ रेफरेंस बुक है जो मैंने यहाँ पर आपको बताई हुई है, जो काफी इंपॉर्टेंट है नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय हुई सर, तो काफी इंपॉर्टेंट बुक है, आपको जरूर एक बार पढ़नी चाहिए। सिर्फ हुई के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ हो जाती है, सभी स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है। तो आपको इस तरह से नहीं सोचना कि मुझे हुई समझ में नहीं आ रही है और हुई बुक से मैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ और क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो उसको लेके आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है कि हुई मैंने नहीं पढ़ी है तो सब बोलते हैं हुई अच्छी बुक है तो मेरा नहीं होगा। देखिए, सबसे अच्छा है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा एक बुक को 10 बार पढ़ना, वो चाहे हुई हो, जेडीली सर की बुक हो, या अजय कुमार सर की, या बीडी गुप्ता सर की बुक हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपको हुई अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो आप जेडीली बुक, जेडीली सर की जो बुक है उसको आप रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हुई समझ में आ रही है, हुई से कुछ ऐसे देख लीजिए कि हुई के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम में, तो आप वो क्वेश्चन देख लीजिए, वो पार्ट देख लीजिए, वो टॉपिक्स देख लीजिए। उसके अलावा अगर हम बात करें जेडीली सर की जो बुक है उसमें मेन ग्रुप काफी अच्छा दिया हुआ है नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो मेन ग्रुप आप जेडीली सर की बुक से पढ़ सकते हो, बाकी का पोर्शन आप हुई सर की बुक से पढ़ सकते हो। उसके अलावा बात करें टॉपिक की, अगर बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय अजय कुमार सर, तो अजय कुमार सर की बुक कोऑर्डिनेशन की काफी अच्छी बुक है, तो आप उसको रेफर कीजिए और वो काफी अच्छी बुक है। उसमें आपको पूरा मिल जाएगा जितना भी नेट का सिलेबस है, तो नेट का सारा सिलेबस इन्होंने कवर किया हुआ है अजय कुमार सर की बुक में, तो आप वो पढ़ लीजिए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि फिर आपको दूसरी बुक रेफर करने की जरूरत पड़ेगी। इजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझाया हुआ है, इजिली समझ में आ जाएगी सभी स्टूडेंट को। तो आप कोऑर्डिनेशन अजय कुमार सर की बुक से कर सकते हो। अगर बात करें ऑर्गेनोमेटली केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनोमेटली केमिस्ट्री के लिए मैंने यहाँ 2 बुक सजेस्ट की हुई है, एक है बीडी गुप्ता सर की, सेकेंड है अजय कुमार सर की। तो अजय कुमार सर की जो है बायो ऑर्गेनोमेटेलिक एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अजय कुमार सर, तो इसमें बायो इनऑर्गेनिक भी दिया हुआ है, यानी कि एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपका बायो इनऑर्गेनिक भी कवर हो जाएगा अजय कुमार की सर से, सर की बुक से, और ऑर्गेनोमेटेलिक भी। अगर हम हुई की बात करें तो हुई में भी बायो इनऑर्गेनिक दी हुई है, लेकिन अगर अजय कुमार सर की बात करें तो अजय कुमार जो सर है उनकी जो बुक है उसमें बायो इनऑर्गेनिक काफी इजीली इजी तरीके से दी हुई है, और ऑर्गेनोमेटेलिक भी काफी अच्छे से दी हुई है। आपने अगर एक बार इससे पढ़ ली तो आपका नेट का क्वेश्चन नहीं रहेगा, सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें बीडी गुप्ता सर की, ये भी काफी अच्छी बुक है, अगर आप इसको पढ़ते हो या आपके पास बीडी गुप्ता सर की बुक है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप अजय कुमार सर की दोबारा बुक करो, आप इससे भी कर सकते हैं। काफी अच्छा दिया हुआ है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स दी हुई है, आप उन प्रॉब्लम्स पे ध्यान दीजिए, पढ़िए, लेकिन प्रॉब्लम्स ज्यादा सॉल्व करनी है आपको। सबसे ज्यादा सोचना है कि मुझे प्रॉब्लम्स जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा सॉल्व करनी है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय क्लेडन, तो क्लेडन तो आपको पता ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बाइबल का काम करती है, तो क्लेडन जिनकी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है या फिर आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी करना चाहते हो तो क्लेडन आपके लिए मास्टर है। आप क्लेडन एक बार जरूर पढ़िए, इससे आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे होंगे और आपको पता चलेगा कि कोई रिएक्शन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, एक्सेप्शन जो केस है वो क्यों है, उन सबके भी आपका आंसर क्लेडन देगी। उसके बाद अगर सेकेंड बुक की बात करें जो इंपॉर्टेंट है नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय करूथर सर। तो करूथर सर की जो बुक है उसमें क्या हुआ है, उसमें रिएक्शंस दी हुई है लेकिन उनका प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बताया गया है। तो आपके बार बार आप जब करूथर सर की बुक पढ़ोगे तो आपके मन में आएगा कि वाय, ये रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, ये रिएक्शन ऐसी क्यों हो रही है, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री ऐसी क्यों है, तो इस वाय का जो आंसर है वो क्लेडन देगी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले आप क्लेडन पढ़िए, देन उसके बाद आप करूथर की तरफ जाइए। तो क्लेडन सर की बुक पढ़िए, उसके बाद आप करूथर सर की बुक पढ़िए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो दोनों बुक्स हैं वो अच्छे से समझ में आएंगी और आप जो है नेट का जो पूछा जा रहा है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, आप पढ़ किस लिए रहे हो, आप पढ़ रहे हो कि आप नेट के क्वालिफाई करना है। नेट कब क्वालिफाई होगा, जब आप उसके क्वेश्चन बना पाओगे, तो नेट के जो क्वेश्चन है वो तभी आप बना पाओगे जब क्लेडन और करूथर को अच्छे से सीक्वेंस में पढ़ोगे। तो पहले आप क्लेडन पढ़िए फिर करूथर पढ़िए। जैसे आप क्लेडन में आपने पेरीसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ी, तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन पहले क्लेडन से पढ़िए, देन उसके बाद आप करूथर सर की बुक के पास जाइए। तो उसके बाद क्या होगा कि आप पता कर पाओगे कि जो क्वेश्चन करते समय आपके मन में वाई आ रहा था, उस वाई का आंसर आपको क्लेडन देगी, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय पीएस कल्सी और पाविया, या तो आप पाविया की ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए प्रेफर कर सकते हो, कल्सी सर की जो बुक है उसको कर सकते हो। तो मैं आपको रेफर करूंगी पाविया सर की बुक, पाविया सर की बुक काफी अच्छी है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक के लिए आपको 3 बुक ये बताई हुई है, इसमें आपको सभी सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो जितनी कम बुक आप
प्रेफर करोगे उतना ही अच्छा है, उतना ज्यादा आप उनको रिवाइज कर पाओगे और उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे नेट जेआरएफ और अच्छी रैंक के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें एडिशनल एडिशनल कुछ उसके लिए नोट्स के लिए, तो आप एनपीटीएल नोट्स पढ़ सकते हो। देखिए एनपीटीएल की जो है कुछ वीडियो है, इनऑर्गेनिक के लिए वीडियो है और जो ऑर्गेनिक है उसके लिए नोट्स है। और एनपीटीएल के मैं नोट्स आपके बोलूंगी कि आप रिएजेंट की नोट्स एक बार जरूर देखिए। तो उससे क्या होगा कि आप देखोगे कि आपको रिएजेंट में कहीं कहीं परेशानी होती है। जैसे आपको ये रिएजेंट दिया हुआ है कि अगर आपको डबल बॉन्ड के बराबर में अगर OH ग्रुप है, तो अगर माइनस DT या प्लस DT इपॉक्सीडेशन आपको कराना है और आपको ये रिएजेंट दिया हुआ है, आप सिंपल क्या करोगे, इपॉक्सीडेशन होगा माइनस होगा तो अबव द प्लेन, प्लस होगा तो बिलो द प्लेन, आपने ये सिंपल ये पढ़ा हुआ है, तो आप उस तरह से रिएक्शन करके आ जाओगे। और आप घर आके देखोगे कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो डिपेंड करता है OH की पोजिशन पे। ठीक है, तो जब मैंने एनपीटीएल का नोट्स देखे थे तो उनमें सबसे अच्छी ट्रिक ये दी हुई थी कि आपका OH आपको देखना है कि वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड है तो अपर लेफ्ट साइड है या लोअर लेफ्ट साइड है, या अपर राइट है या लोअर राइट है, उसी के अकॉर्डिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड करती है। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है या फिर आने वाली कुछ वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इपॉक्सीडेशन, तो उसमें इस रिएजेंट का जो ये शॉर्ट ट्रिक इसमें दी हुई थी वो भी एक्सप्लेन करूंगी और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे ये जो ट्रिक है इसकी वर्क करती है। तो एनपीटीएल के नोट्स रिएजेंट के काफी अच्छे हैं, आप एक बार जरूर एक बार पढ़ के देखिएगा। और उसके बाद बात करें हम आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है, तो देखिए पार्ट बी के लिए क्या होता है, बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए। तो बेसिक्स के लिए आप क्या पढ़ो, एनसीईआरटी की 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़िए। उससे क्या होगा, जो आपका पार्ट बी है, पार्ट बी आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें आपके मार्क्स गेन करोगे। तो देखिए पार्ट बी आपका ऐसा एक वो है पोर्शन है आपके पेपर में, नेट के पेपर में, जहां पर आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो और आप अपनी नेट GRF और अच्छी रैंक को ला सकते हो। तो उसके लिए आपको काम करना होगा पार्ट बी पे। पार्ट बी बेसिक्स है, बेसिक्स आप के अगर अच्छे हैं तो पार्ट बी के आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि पार्ट सी की तो तैयारी एवरी एवरी स्टूडेंट करता है, पार्ट सी की तैयारी करने, क्योंकि वहां पर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, इतनी ज्यादा चॉइसिस है, 60 मार्क्स में से सिर्फ आपको 60 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 25 करने होते हैं, तो वहां पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन अगर आपको रैंक इंप्रूव करनी है और GRF नेट चाहिए तो आपको पार्ट बी पर भी फोकस करना होगा, और उसके लिए आपको क्या पढ़ने होंगे, बेसिक्स। तो बेसिक्स आप 11 12 से कर सकते हो अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है। अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री की जिन बच्चों को, जैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, उनके लिए फिजिकल केमिस्ट्री एकदम हवा होती है, तो आपको क्या करना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो उस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप एसेंशियल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय अरुण बहल सर, BS बहल सर और GD तुली सर, तो इनकी बुक्स को आप रेफर कर सकते हो। देखिए आप फिजिकल केमिस्ट्री आप बिल्कुल छोड़ के जा रहे हो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और आप देखते हो कि आपका नेट नहीं हुआ 2 मार्क्स है या GRF नहीं हुआ 2 मार्क्स है, तो आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा कि आप कुछ और पढ़ लेते तो अच्छा होता। ठीक है, तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ के जा रहे हो, ये दूसरा चांस ये देख लीजिए कि आप फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ के गए। फिजिकल केमिस्ट्री में आपने केमिकल काइनेटिक्स और फोटो केमिस्ट्री ये सब आपने पढ़ी है अरुण बहल सर, BS बहल सर और GD तुली सर की बुक से। ठीक है, ये बेसिक BSc के लेवल की बुक है, आपने इससे पढ़ के गए। सिर्फ आप क्या पढ़ के गए हो, बेसिक्स पढ़ के गए हो, आपने कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं ली है, या फिर जो नेट के लिए हम बोलते हैं कि ये वाली बुक है, PSP सर की बुक आपने नहीं ली है, एटकिंग्स की बुक आपने नहीं पढ़ी, सिर्फ आप इसी से पढ़ के गए और आपने पेपर में देखा कि सिंपल क्वेश्चन आया कि केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आया, रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, सिंपल है। अगर आपने NCERT भी पढ़ी होती तो भी आप उसको निकाल सकते थे, तो सिंपल आपको क्या करना था, आपने निकाल दिया और आपने क्या किया, 2 मार्क्स आपने गेन कर लिए। तो जैसे ही आपके 2 मार्क्स गेन हुए आप GRF में आ गए, आप नेट में आ गए, या फिर आपकी रैंक बहुत इंप्रूव हो गई। तो देखिए 2 2 मार्क्स या 1 1 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हमारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, वैसे भी हमारा बहुत नेगेटिव हो जाता है, तो हमें गेन करना है कि हम कहाँ से गेन कर सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, जो आपकी ये बुक्स हैं, सिंपल जो बुक्स हैं, बेसिक जो है वो आप जरूर करके जाइए। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल रिलेशन से क्वेश्चन आ जाता है, 4 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्या होगा, उससे आपके चांसेस बढ़ते हैं। तो आपको बेसिक्स एक बार जरूर पढ़ना है, अगर आपका फिजिकल अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है या फिर आपकी वीक है, तो आपको बेसिक तो करके जाने चाहिए। उसके बाद अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय PSP सर, तो आप ये भी रेफर कर सकते हो। इसको पढ़ने के बाद आप एक बार इसको पढ़िए, आपको बहुत इजी लगेगी, सिंपल भी रेफर करते हैं लेकिन आप
अगर आपको बहुत ही ज्यादा डर लगता है फिजिकल केमिस्ट्री से, तो मैं बोलती हूँ कि ये वाली बुक आपके लिए बहुत ही ज्यादा मस्ट है। आप एक बार ये पढ़ के देखिए, उसके बाद आपको ये बहुत ईजी लगने लगेगी। देन आप हायर लेवल पर जाना चाहते हो जिनकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है, तो उसके बाद आप एटकिंस के पास जा सकते हो, एटकिंस सर की बुक के पास जा सकते हो। उसके बाद अगर बात करें मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय बेन वाइल सर, तो मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जरूर करनी चाहिए। नेट एग्जाम के लिए काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए आप बेन वाइल सर की बुक रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स थी CSIR नेट केमिस्ट्री के लिए, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस की है। सबसे जरूरी है कि कम से कम मटेरियल रखिए स्टडी करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए। उससे आपके चांसेस बढ़ेंगे नेट क्वालिफाई होने के, GRF क्वालिफाई होने के, अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए। सो मुझे लगता है ये आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल होगी, तो आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।